Hello friends, welcome to AWPKS. This is Vikas here to discuss the MCQs for general science, which is useful for most of all the competitive exams, that is UPSC, SSC, CGLS and others exam. So let's start. तो मैं ये जो MCQ सीरीज है, इस सीरीज में मैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस और MCQ डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में जनरल साइंस की कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। और ये इस सीरीज का जो पहला लेक्चर है, यानी कि पार्ट वन है, और दूसरे पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा और कंप्लीट जनरल साइंस की क्वेश्चन में अपलोड कर दूंगा, जो एमसीक्यू है सब कुछ। तो चलिए डिस्कशन करते हैं आज की एमसीक्यू। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मैं पहले सभी एमसीक्यू जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 से 8 है, सभी साइंस का जो क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, मैं डिस्कशन करूंगा। और उसके बाद जो हायर क्लास है, क्लास 8 से 10th तक, सभी में एमसीक्यू डिस्कशन कर दूंगा। धीरे धीरे सभी अपलोड कर दूंगा। और ये जो एनसीईआरटी है, सभी क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है, सभी एनसीईआरटी की जो जनरल साइंस बुक है, जो साइंस बुक है, साइंस बुक से ही आती है, इसलिए मैं एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करूंगा। और मैं जल्द ही सभी पार्ट अपलोड कर दूंगा। इस सीरीज को एंजॉय कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो पहला एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर ऑटोट्रोप्स, दैट मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोप्स है? तो इसका आंसर है एल्गी एंड ग्रीन प्लांट, दैट इज 1 and 2। सो आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। तो इसका जो आंसर है 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट होते हैं और जो एल्गी होते हैं, वो दोनों ही ऑटोट्रोप है। तो ऑटोट्रोप किससे कहते हैं, चलिए जान लेते हैं कि जो ऑटोट्रोप्स है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। दैट मीन्स जो ऑर्गेनिज्म अपना ही खुद की फूड्स खुद ही बनाता है, तो उसे हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं। जो न्यूट्रिशन से, जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से वो अपना फूड अपना ही बनाता है, उसे ऑटोट्रोप्स कहते हैं। तो ग्रीन एल्जी और ग्रीन प्लांट और एल्जी जो होते हैं, वो अपने ही फूड्स खुद ही बनाते हैं, इसलिए उसे ऑटोट्रोप्स कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही अपना फूड अपना बनाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2, एल्जी एंड ग्रीन प्लांट। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू, दैट मीन्स जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स किस पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है अपने बॉडी में, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो इसका जो आंसर है डी, दैट इज टोमाटा। जो टोमाटा जो प्लांट्स की जो लीव्स में होते हैं, जो स्मॉल पोर होते हैं, उसे हम स्टोमाटा कहते हैं। दैट मीन्स जो प्लांट में छोटा छोटा पोर होते हैं, छेद होते हैं, तो उस छेद को हम स्टोमाटा कहते हैं, जो कि प्रोटेक्टेड बाय गार सेल, दोनों साइड में गार सेल होता है। गार सेल की हेल्प से ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को, और ओपन क्लोज होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक करता है अपना बॉडी के अंदर से। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, दैट इज टोमाटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, इन डेजर्ट प्लांट मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, दैट मीन्स जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, तो डेजर्ट प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है, किस पार्ट से होता है? तो ये जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट सभी क्या होते हैं कि जो उसका लीव्स होता है, लीव्स कन्वर्ट हो जाता है स्पाइन में। और स्पाइन में क्यों कन्वर्ट हो जाता है कि डेजर्ट प्लांट जो होते हैं, उसमें डेजर्ट में बहुत ही कम वाटर मिलता है, और जो वाटर लूज होता है प्लांट से, हमारा जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से, तो उस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को चेक करने के लिए उसका जो लीव्स होता है, लीव्स स्पाइन में, दैट मीन्स कांटा में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर लॉस को रोकता है जो प्लांट होता है। तो इसलिए जो उसका स्टेम होता है, ग्रीन स्टेम से ही वो जो प्लांट होता है, डेजर्ट प्लांट, अपना फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि जो लीव्स होता है, लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट होता है। तो उसका जो आंसर है स्टेम, दैट इज सी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो एक्सप्लेनेशन, द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेट ऑन, दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम व्हिच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट होता है, ग्रीन प्लांट की जो स्टेम होता है, ग्रीन स्टेम, उन ग्रीन स्टेम से ही वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, जो डेजर्ट प्लांट होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी ऐड नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर टू सॉइल व्हेन नाइट्रोजन इज सो अबंडेंट इन द एटमॉस्फेयर, दैट मींस जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल में बहुत सारे नाइट्रोजन गैस है,
लेकिन फिर भी हम क्यों नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर प्लांट्स को देते हैं, जो हम जब एग्रीकल्चर करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो क्यों हम नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर देते हैं? तो उसका जो ऑप्शन है, बिकॉज एटमोस्फेयर नाइट्रोजन इज नॉट गुड फॉर प्लांट हेल्थ, सो प्लांट डोंट एब्जॉर्ब इट। बिकॉज जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट की हेल्थ के लिए सही नहीं होता, ये ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में जो है, बिकॉज एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब एज सच बाय द प्लांट, लाइक बिकॉज कारण जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ये जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है, तो चलिए देख लेते हैं उसका आंसर। इसका जो आंसर है बी, दैट इज एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द प्लांट, क्योंकि जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो प्लांट के द्वारा डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, वो एक बैक्टीरिया की हेल्प से ही कन्वर्ट करके जो नाइट्रोजन गैस होता है उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो अपना बॉडी के अंदर में लेता है। तो इसलिए हम जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स देते हैं वो उसको यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए अवेलेबल होता है प्लांट के लिए। तो इसलिए हम उस जो फर्टिलाइजर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज करते हैं प्लांट के को की ग्रोथ करने के लिए। दिस सोल्यूबल फॉर्म आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर आर एडेड टू द सॉइल टू मेक यूजेबल नाइट्रोजन अवेलेबल टू द प्लांट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजी आर एबल टू ग्रो ऑन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, व्हेयर डू फंजी ग्रोइंग ऑन ए पीस ऑफ ब्रेड केप्ट इन क्लोज रूम कम फ्रॉम। दैट मीन्स जो फंजी होता है, फंजी सभी ऑर्गेनिक मैटर में पाया जाता है और ग्रोथ करता है। व्हेयर डू द फंजी ग्रोइंग ऑन पीस ऑफ ब्रेड केप्ट इन क्लोज रूम, दैट मीन्स हम जो क्लोज रूम में एक ब्रेड रख देते हैं तो जो फंजी ग्रोथ होता है वो कहाँ से आता है? तो ये जो फंजी आता है, फंगल स्पोर जो होते हैं, फंगल स्पोर एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, सभी जगह पे मौजूद होते हैं, हमारे जो एटमोस्फेयर होता है एटमोस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो आंसर है ए, ऑप्शन ए, दैट इज फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन एयर, दैट मीन्स जो एयर होता है एयर में सभी जगह पे फंगल स्पोर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो जब वो सही एनवायरमेंट पाते हैं तो उसका ग्रोथ हो जाता है और जर्मिनेट कर जाते हैं। तो उसका जो आंसर हो गया ऑप्शन ए, दैट इज फंगल स्पोर पर आर प्रेजेंट्स एवरीवेयर, व्हिच आर प्रेजेंट्स एवरीवेयर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, लाइकेन इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन बैग्स। जो लाइकेन होता है, लाइकेन आप सभी लोग जानते होंगे, जो लाइकेन होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किस किस के बीच में। ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ये होता है एल्जी एंड फंजी के बीच में। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है चलिए जान लेते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन एक ऐसा एसोसिएशन होता है इसलिए जो दोनों ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने दोनों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो क्यों होता है ये? इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर्स व्हिच इज एल्जी एंड ए फंगस लिव टुगेदर, दैट मीन्स जो एल्जी और फंजी एक ही जगह पे लिव टुगेदर रहते हैं तो उसे हम लाइकेन कहते हैं। तो फंगस प्रोवाइड शेल्टर, जो फंगस होता है, फंगस क्या करता है, जो एल्जी होता है एल्जी को शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है, और जो एल्जी होता है इनके रिटर्न में वो फूड प्रोड्यूस करके, जो फोटोसिंथेसिस मेथड में फूड प्रोड्यूस करता है वो फंजी को देता है, क्योंकि जो फंजी होता है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता। तो इसीलिए वो दोनों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं और उस टाइप ऑफ एसोसिएशन को सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा जाता है। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एल्जी एंड फंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अभी जो हमने पढ़ा, तो कौन सा है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? फर्स्ट राइजोबियम एंड लेगुमिनस, फंजी एंड प्लांट्स लाइकेंस कस्कोडा एंड अदर प्लांट्स। जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शन से कौन सा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है? तो अभी जो हमने पढ़ा लाइकेन के बारे में, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो ऑप्शन 3 सही हो गया। और ऑप्शन 3 के साथ और एक है जो कि है राइजोबियम एंड लेगुमिनस प्लांट और लेगुमिच, जिसे लेगुमिच भी कहते हैं। तो उसका एक्सप्लेनेशन चलिए जान लेते हैं। जो राइजोबियम होता है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि बैक्टीरियम होता है और जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, दैट मीन्स जो
एनवायरमेंट में जो एटमोस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन को फिक्स करके कन्वर्ट करके सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके जो प्लांट होता है प्लांट को प्रोवाइड करता है, लेकिन वो अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बॉडी में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है और प्लांट्स अपना जो नाइट्रोजन पाने के लिए उस बैक्टीरियम के ऊपर राइजोबियम के ऊपर डिपेंड रहता है। तो जो पीच ग्राम मंग बीन्स होते हैं इस सभी क्या करते हैं कि जो राइजोबियम होते हैं राइजोबियम के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं और जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं इस सभी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में राइजोबियम के साथ रहते हैं। तो ऑप्शन वन भी हमारा जो सही हो गया, राइजोबियम एंड लेगुमिनस लेगुमिनस प्लांट और लेगुमिनस। और जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन तो अभी हमने अभी पढ़ा है जो क्लोरोफिल होता है अल्जी, और अल्जी की बॉडी में जो क्लोरोफिल होता है वो फूड प्रोड्यूस करता है, और जो फंगस होता है वो शेल्टर वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है अल्जी को, और इन रिटर्न में जो अल्जी होता है अल्जी फूड प्रोवाइड करता है जो फंगस होता है फंगस को। तो ये दोनों सही हो गया, तो ऑप्शन भी हमारा राइट हो गया, दैट इज ऑप्शन वन एंड थ्री ओनली। तो जो सेवन नंबर एट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनिमल न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन मींस क्या होता है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल्स, फर्स्ट है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट एनिमल्स, सेकंड है मोड ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एनिमल्स, थर्ड है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन एनिमल्स बॉडी। तो ये जो ऑप्शन है इस सभी ऑप्शन न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, न्यूट्रिशन के अंदर सभी ऑप्शन आता है। क्यों, चलिए जान लेते हैं, क्योंकि जो एनिमल होता है न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, जो सब न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होता है उसकी बॉडी के लिए वो सभी न्यूट्रिएंट्स में जाता है, और न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट भी इंक्लूड होता है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स में। यदि एक पर्सन न्यूट्रिएंट्स नहीं खाएगा तो हम इसे कह सकते हैं कि वो न्यूट्रिशन प्रोसेस नहीं कह सकते। मोड ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिशन बाय एनिमल, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसे भी हम न्यूट्रिशन कहते हैं, मोड ऑफ इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो प्रोसेस होता है उन प्रोसेस भी न्यूट्रिशन की प्रोसेस में जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एनिमल्स, यूटिलाइज जो होता है फूड, फूड से जब तक एनर्जी रिलीज होकर यूटिलाइज होता है बॉडी में जो हम एसिमिलेशन कहते हैं वो भी न्यूट्रिशन का ही एक फेज होता है, एक पार्ट होता है। तो ये जो तीन के तीन ऑप्शन है, तीन ही ऑप्शन ही सही है, दैट इज ऑप्शन डी इज राइट आंसर वन टू एंड थ्री। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नाइन, द सलाइवा ब्रेकडाउन, जो सलाइवा है सलाइवा क्या करता है, जो सलाइवा हमारे माउथ में रिलीज होता है कभी भी हम जब हम एक फूड इंटेक करते हैं खाते हैं तो सलाइवा रिलीज होता है, तो वो क्या करता है। ऑप्शन ए प्रोटीन्स इंटू पेप्टाइड, प्रोटीन्स को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, फैटी फैट्स इंटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरल एट लास्ट ऑप्शन इज इट हैड स्लो डाइजेस्टिव एक्टिविटी, इसका कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं है। तो इस चार ऑप्शन से सही ऑप्शन है स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, दैट मींस ये जो सलाइवा होता है सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कि हेल्प करता है ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, दैट मींस स्टार्च को ब्रेकडाउन करके सिंपल शुगर में ये कन्वर्ट करता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन बी स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। नेक्स्ट जो 20 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सीक्रेटेड बाय स्टोमाक, जो स्टोमाक होते हैं स्टोमाक में कौन सा सीक्रेट होता है, कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, तो कौन कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है। ये जो एंजाइम होता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूकोस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, ये जो तीन ऑप्शन है इनके तीन ही एंजाइम स्टोमाक में ही सीक्रेट होता है। ये क्यों सीक्रेट होता है, उसका क्या फंक्शन है, चलिए जान लेते हैं। तो जो इनर लाइनिंग होता है स्टोमाक में सीक्रेट करता है म्यूकोस, म्यूकोस सीक्रेट करता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव जूस भी सीक्रेट करता है। तो म्यूकोस का काम यह है, फंक्शन ये है कि जो इनर लाइनिंग होता है स्टोमाक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है और इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है, और जो एसिड होता है और HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो बैक्टीरिया को किल करता है, और जो फूड होता है फूड को एसिटिक मीडियम में कन्वर्ट करता है
जिसके कारण जो डाइजेस्टिव जूस होता है, डाइजेस्टिव जूस उसके ऊपर काम करके उसे डाइजेस्ट कर सकता है, कर सके। तो जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, इसीलिए जो HCl होता है, HCl फास्ट सिक्रेट होता है और जो फूड होता है फूड को कन्वर्ट करता है एसिटिक फॉर्म में। देन डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपल सब्सटेंस, तब जाके जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसका फंक्शन होता है वो प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। तो ये होता है उस तीनों चीज की फंक्शन। तो ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 and 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑल आर सिक्रेटेड बाय द स्टोमक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ स्टोमक कन्वर्ट। जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, किसको कन्वर्ट करता है? तो ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, अभी अभी हमने जो क्वेश्चन 10 में डिस्कशन किया था, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है स्टोमक में वो एसिडिक मीडियम में ही काम करता है और प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। तो ये जो ऑप्शन डी है, प्रोटीन्स इनटू सिंपल सब्सटेंस, दैट मीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो सीक्रेट होता है वो प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। तो क्यों कन्वर्ट कर देता है? क्योंकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो पेप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि स्टोमक के द्वारा सीक्रेट होता है, स्टोमक से सीक्रेट होता है और जो हेल्प करता है कन्वर्ट द प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो पेप्सिन क्या करता है कि जो प्रोटीन्स होता है प्रोटीन्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और पेप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय द लिवर इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ, दैट मीन्स जो बाइल जूस सीक्रेट होता है, बाइल जूस किसकी डाइजेशन के लिए, किस चीज की डाइजेशन के लिए एसेंशियल है जो कि लिवर के द्वारा सीक्रेट होता है? तो ये जो बाइल जूस होता है ये फैट की डाइजेशन के लिए काम करता है, फैट की डाइजेशन कराता है। तो चलिए जान लेते हैं कैसे करता है। तो ये जो लिवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, तो जो लिवर होता है वहाँ एक ग्लैंड होता है और एक ग्लैंड है जो कि एब्डोमेन की ऊपर पार्ट में होता है राइट साइड में, और लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, इट इज ऑल्सो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। जो लिवर होता है, लिवर सीक्रेट करता है बाइल जूस जो कि स्टोर होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो बाइल जो होता है, बाइल इम्पोर्टेंट रोल है जो डाइजेशन ऑफ फैट्स के लिए, तो फैट्स की डाइजेशन के लिए ये जो बाइल होता है, बाइल एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। तो बाइल फैट की डाइजेशन के लिए हेल्प करता है और बाइल जूस फैट की डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 है, पैनक्रियाटिक जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ लैक्स, तो पैनक्रियाटिक जूस किसके डाइजेशन के लिए हेल्प करता है? तो ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन इन चारों में कौन की डाइजेशन के लिए हेल्प करता है? तो ये जो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन से जो विटामिन्स है, विटामिन्स में डाइजेशन नहीं होता, ये डायरेक्टली ब्लड में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, उसकी कोई डाइजेशन की काम नहीं है उसमें। तो ये जो ऊपर जो तीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, वो जो तीन है उस तीन की डाइजेशन के लिए पैनक्रियाटिक जूस हेल्प करता है और पैनक्रियाटिक जूस का एक बहुत ही बड़ा रोल है जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, दैट इज 1, 2 and 3 एक्सेप्ट द विटामिन्स दैट डोंट नीड टू बी डाइजेस्टेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 नंबर क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, HLH, प्रोटीन। तो जो ऑर्गन होता है, कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व इन डाइजेशन, जो कार्बोहाइड्रेट होता है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए, फैट की डाइजेशन के लिए और प्रोटीन की डाइजेशन के लिए काम करता है? तो ये जो ऑर्गन होता है, तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था कि जो पानक्रियाज होता है, पानक्रियाज वो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन तीनों की डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, और उसके साथ जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी वैसे ही फंक्शन करता है जैसे पानक्रियाज फंक्शन करता है, जो
कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन हो गया आंसर हो गया आंसर इज ऑप्शन सी बोथ पैनक्रियास एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट द डाइजेस्टिव एंजाइम व्हिच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एज वेल एज प्रोटीन। दैट इज आंसर इज ऑप्शन सी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, लार्ज इंटेस्टाइन इज इन्वॉल्व इन, दैट मीन्स जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो किस काम के लिए इन्वॉल्व होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स और डाइजेशन ऑफ फैट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ एमिनो एसिड। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की लास्ट पार्ट है, उनका काम है कि जो एब्जॉर्ब करना सॉल्ट को और वाटर को, जो एक्सेस सॉल्ट होता है और एक्सेस वाटर होता है हमारे बॉडी में डाइजेशन की सरने के बाद, तो उससे वो एब्जॉर्ब कर लेता है जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो ये जो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए आंसर है, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड सोम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर आर सेमी सॉलिड फेसेस, द फिकल मैटर्स इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम्स, दैट इज कॉल्ड इजेशन। जो वेस्ट मटेरियल रह जाता है वो फिस्ट की फॉर्म से, फिशेस की फॉर्म से हमारा बॉडी से निकल जाता है और उसे हम उस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। तो हमारा जो आंसर हो गया आंसर ए दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये था हमारा पार्ट वन जो कि 15। यदि आपको ये लाभदायक है, बेनिफिशियल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और कोई सजेशन के लिए आप सजेस्ट कमेंट्स बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।